ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ, हमारा जो चैप्टर रनिंग है दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एज यू ऑल नो। ओके, तो हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी काफी सारी चीजें सीख ली हैं, जैसे कि वी हैव टॉक्ड अबाउट मोनेरा। फिर उसके बाद हमने जो बात की थी वो हमने बात की थी अबाउट फंजाई, और ये सारी बातें हम सीख चुके हैं, प्रोटिस्टा की बात कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हमारे जो टॉपिक्स होंगे दैट विल बी किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया, और इसके अलावा वायरस एंड वायरॉइड्स भी आज की क्लास का टॉपिक होगा। ओके, तो जब हम ये सारी बातें करेंगे तो यहाँ पे प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आपको बहुत डिटेल नहीं जाननी है, ठीक है। प्लांटी और एनिमेलिया का मैं सिर्फ आपको एक सुपरफिशियल विजन दूंगी, और इसका रीजन ये होगा कि जो किंगडम प्लांटी है वो हमारा कंप्लीट चैप्टर होने वाला है और वो नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर डील करेंगे दैट कंप्लीट चैप्टर इज ऑल अबाउट द प्लांट किंगडम, तो वहां पे हम इनका डिटेल देखने वाले हैं। तो इट्स बेटर कि इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो वहीं पे डील किया जाए। तो यहाँ हम एक सुपरफिशियल विजन लेंगे, एंड सेम विल बी द केस विद किंगडम एनिमेलिया। जब आप जूलॉजी स्टार्ट करेंगे तो देयर यू आर गोइंग टू लर्न द एंटायर डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर किंगडम, जिसको हम कहते हैं किंगडम एनिमेलिया। ओके, तो प्लांटी एनिमेलिया का वील जस्ट हैव अ क्विक लुक, और उसके बाद हम चले जाएंगे टू टॉक अबाउट वायरसेस। ओके, तो चलिए आ जाते हैं इन किंगडम प्लांटी। तो जब किंगडम प्लांटी की बात होती है तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम प्लांटी तक आ चुके हैं तो इट इज क्वाइट क्लियर कि हम एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स की तरफ प्रोसीड कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द एडवांस्ड फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। उनके अंदर मल्टी सेल्यूलैरिटी जो है वो एक परमानेंट फीचर बन जाएगा। अगर मल्टी सेल्यूलैरिटी यहाँ परमानेंट फीचर बन रहा है तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि डिविजन ऑफ लेबर भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, बिकॉज दैट इज द कंसेप्ट जो कि काफी सारे सेल्स के प्रेजेंट होने पर ही एक्टिवेट होता है। तो क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेल्यूलर होंगे तो डिविजन ऑफ लेबर विल बी देयर। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल बी ऑफ यूकैरियोटिक नेचर, और उनके पास क्लोरोफिल का पिगमेंट प्रेजेंट होगा विच इज द डिफरेंशिएटिंग फीचर फॉर प्लांट्स। ओके, यहाँ पे अगर कोई आपसे ये पूछता है कि आपको डिफरेंशिएटिंग फीचर यहाँ बताना है, तो जो डिफरेंशिएटिंग फीचर होगा दैट विल बी द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। एंड क्लोरोफिल के बारे में आपको काफी अच्छे से मालूम होगा कि जो क्लोरोफिल होता है दैट इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये प्लांट्स के लिए कौन सा पिगमेंट कहलाता है? तो दैट विल बी द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा। इसके अलावा इनके पास जो दूसरा डिफरेंशिएटिंग फीचर है दैट इज द सेल्यूलोजिक सेल वॉल विच इज नॉट फाउंड इन एनिमल्स। सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज की अगर बनी है, हेमी सेल्यूलोज की बनी है, तो दैट इज प्रेजेंट इन किंगडम प्लांटी, ठीक है। तो ये दो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होंगे। अब क्लोरोफिल का कलर तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्लोरोफिल का जो कलर होता है दैट इज ग्रीन। ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो ये पिगमेंट और प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, इसके अलावा एक और कैरेक्टर जो कि केवल प्लांट्स में ही नोटेड है दैट विल बी प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल। तो जो वैक्यूल का प्रेजेंस है, सेल वॉल का प्रेजेंस है, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल का प्रेजेंस है, दैट विल बी अ रिस्ट्रिक्टेड फीचर, या बोल सकते हो एक्सक्लूसिव फीचर है किसका, यहाँ पे प्लांट्स का, ये याद रखना है। इसके अलावा आपको पता है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ठीक है। आपको क्या पता है कि दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो इनका जो नेचर होगा दैट विल बी ऑटोट्रॉफिक नेचर, और अगर इनका नेचर ऑटोट्रॉफिक है या इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि ये जो होंगे दे विल बी कैटेगराइज्ड एज प्रोड्यूसर्स। इनको हम क्या नाम देते हैं? प्रोड्यूसर्स का नाम देते हैं,
ऑल्सो दे आर टर्म्ड एज ट्रांसड्यूसर्स, इनको हम ट्रांसड्यूसर्स भी कह सकते हैं या फिर इनको हम कन्वर्टर्स भी कह सकते हैं। और इसका भी कारण मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर इनका नेचर ऑटोट्रॉफिक है तो आपको पता है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके खुद का फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ओके, अगली बात कि जब ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन चल रही होती है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर लाइट एनर्जी जो होती है, जो कि आप यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, ये चेंज हो जाएगी अल्टीमेटली ग्लूकोज में, जिसके अंदर आप कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी देख सकते हैं, केमिकल एनर्जी देख सकते हैं। फाइन, तो आपने यहाँ पर खाना प्रोडक्शन होने के साथ साथ और क्या ऑब्जर्व किया, दैट द लाइट एनर्जी विच वॉज प्रोवाइडेड बाय द सन दैट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि हमारे जो एंड प्रोडक्ट था फोटोसिंथेसिस का, दैट वॉज ग्लूकोज। तो इस एनर्जी को चेंज करने की रीजन की वजह से दीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज ट्रांसड्यूसर्स और कन्वर्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है अबाउट द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटिंग। फाइन, फिर जब हम आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ऑप्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जिसमें आपके पास ब्लैडर वर्ड्स आते हैं, वीनस फ्लाईट्रैप होता है, निपेंथिस होता है, तो ये सारों का कैरेक्टर होता है कि लेट अस ट्रैप द इंसेक्ट, लेट अस डिराइव प्रोटीन फ्रॉम देम एंड देन लीव देयर बॉडी। ठीक है, तो इंसेक्ट्स को ये कंज्यूम करते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी यहाँ पे, आप मुझे ये बताइए कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, आर दे केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस? यू हैव टू आंसर येस और नो फास्ट। आपको बस इतना आंसर बताना है कि यहाँ पर जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, आर दे केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, येस और नो? और अगर आपका आंसर ये है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, देन वॉट इज द नीड ऑफ कंज्यूमिंग द इंसेक्ट? ठीक है, आंसर मुझे मिला है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, तो लेट मी टेल यू कि आप लोग गलत हो। ठीक है, आप यहाँ पे बिल्कुल गलत हैं। जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनका डबल रोल होता है। डबल रोल इन द सेंस दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने में इनके कोई कमी नहीं आती है। ठीक है, तो आप कभी भी ऐसा मत बोलिएगा कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, देन वॉट इज द नीड फॉर ट्रैपिंग इंसेक्ट? सो विनय हैज गिवन द आंसर एंड विनय यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स को कंज्यूम करने का रीजन ये होता है कि इनकी बॉडी में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, इनकी बॉडी में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, और जो नाइट्रोजन होता है, दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑल्सो एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। तो अगर इन्होंने नाइट्रोजन की कमी को पूरा नहीं किया तो बाद में इन्हें क्या दिक्कत हो सकती है कि इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हिंडर हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन की कमी हो जाएगी, नाइट्रोजन नहीं। ठीक है, नाइट्रोजन के ना होने से इनके काफी सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस रुक जाएंगे। दैट इज द रीजन कि इनको नाइट्रोजन डेफिशिएंसी पूरी करनी है, एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ट्रैपिंग इंसेक्ट। क्योंकि जो भी एनिमल होगा, मतलब कि इंसेक्ट, उसकी बॉडी से इन्हें इजीली प्रोटीन मिल जाएगा, और जो प्रोटीन है उसके अंदर नाइट्रोजन होगा, तो दैट नाइट्रोजन विल बी डिलीवर्ड टू द बॉडी ऑफ दैट प्लांट जिसके पास उसकी कमी है। ठीक है,
दिस इज द रीजन कि उनको लेना पड़ता है क्या, इंसेक्ट को. नहीं तो आप यहाँ पिक्चर में देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप कितना हरा भरा दिख रहा है. ओके हरा भरा दिख रहा है तो इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट फोटोसिंथेसिस विदाउट क्लोरोफिल. तो ये यहाँ पर रीजन होता है. देन सम ऑफ देम आर पैरासाइट्स ऑल्सो, जैसे कि हम कस्क्यूटा जानते हैं. कस्क्यूटा इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टेम पैरासाइट प्लांट, दूसरे प्लांट की स्टेम के ऊपर ये ग्रो करता है. ओके ये कुछ चीजें आप याद रखिए. इसके अलावा जब हम प्लांटी का डिटेल देखेंगे तो वील कम टू नो कि प्लांटी के ही अंदर एल्गी इज इंक्लूडेड, फाइन. ब्रायोफाइट्स आर देयर जिनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं. टेरिडोफाइट्स आर देयर जिनके अंदर पहली बार सीड हैबिट देखी गई थी. जिम्नोस्पर्म्स होंगे जो कि नेकेड सीडेड प्लांट्स होते हैं. और लास्ट में हम पहुंचेंगे एंजियोस्पर्म्स में विच आर कंसिडर्ड टू बी द हायर प्लांट्स ऑफ द एरा. क्लियर. तो ये सारा जो ग्रुप है, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं या एंजियोस्पर्म्स हैं, इनका जो डिटेल्ड अकाउंट होगा ये हम तब पढ़ेंगे जब हम किंगडम प्लांटी का चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा का पूरा प्लांट किंगडम. फाइन. तो यहां आपके लिए बस इतना ही. नेक्स्ट इज द लाइफ साइकिल. अब आप ये जान लीजिए कि यहां पर आपको जब प्लांट की लाइफ साइकिल देखने मिलेगी तो यू विल कम टू नो अबाउट वन ऑफ द स्पेशल फीचर जिसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहां पर प्रेजेंट होगी. और इसका मीनिंग क्या है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहले तो किसी भी प्लांट का जो लाइफ साइकिल है दैट हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस, दो अलग फेजेस वहां पर होते हैं. दो अलग फेजेस कैसे होंगे, आप यहाँ फ्लो चार्ट देखिए. यू कैन सी दैट हाफ ऑफ द लाइफ साइकिल इज शोइंग डिप्लॉयड फेज. ओके And other half of the life cycle is showing haploid phase. Clear? तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो diploid phases हैं, they are alternating the haploid phases. इसका मतलब ये है कि जब ये चक्रा घूमेगा तो क्या होगा, वापस आप diploid phase में पहुंचोगे, फिर आपको haploid आना होगा. Then again you are going to reach diploid, again you are going to come to haploid. ये दोनों चीजें बार 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 रिपीट होती रहेंगी. एंड दिस इज ओनली द कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है, दिस इज ओनली द फेज वेयर हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस आर गोइंग टू कोएग्जिस्ट, दे आर गोइंग टू अल्टरनेट ईच अदर इन अ रिपीटेड मैनर. उस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अब यहां ध्यान से सुन लीजिए कि जो टर्म्स यूज किए गए हैं उनका मीनिंग क्या होता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेन प्लांट बॉडी है जो कि डिप्लॉइड है, प्लांट का कोई भी ऐसा हिस्सा जिसका प्लॉइडी लेवल 2n हो दैट इज कंसिडर्ड टू बी स्पोरोफाइट. आई अगेन रिपीट, कोई भी ऐसा प्लांट का पार्ट या उसका लाइफ साइकिल का स्टेज जहां पर उसका प्लॉइडी लेवल 2n का है, दैट स्टेज इज कंसिडर्ड टू बी स्पोरोफिटिक स्टेज और द स्पोरोफाइट. जहां पर भी प्लांट की लाइफ साइकिल में आप ऑब्जर्व करेंगे दैट द स्टेज इज हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, दैट स्टेज इज कंसिडर्ड टू बी गैमेटोफाइट. ठीक है, ये दोनों शब्दों को है ना बिल्कुल दिमाग के किसी कोने में बैठा लीजिए, क्योंकि अभी जब प्लांट किंगडम चलेगा तो बार बार आपको ये सुनाई देंगे. सपोज मैं आपको ब्रायोफाइट्स पढ़ा रही हूं तो मैं आपके ऊपर क्वेश्चन थ्रो करूंगी कि मैंने आपको स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बताया है तो आप मुझे आंसर कीजिए कि व्हाट विल बी द स्पोरोफिटिक स्टेजेस, व्हाट विल बी द गैमेटोफिटिक स्टेजेस एंड व्हाट इज देयर मीनिंग. तो वहां आपको इस टर्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. फाइन. अब आप देखिए कि जब भी स्पोरेंजियम होगा, स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जहां से स्पोर बनते हैं. ठीक है, स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर होता है जहां से स्पोर की प्रोडक्शन होगी. तो यू वेरी वेल नो कि जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड हैं,
तो आपको यहाँ मियोटिक सेल डिविजन यूज करना होगा। जब ये हैप्लॉइड स्पोर्स गैमेटेंजियम में जाएंगे और गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये सभी स्टेजेस जो प्लांट बॉडी की लाइफ साइकिल के होंगे, दैट विल बी विथ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? इसका मतलब है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे आपका हैप्लॉइड फेज खत्म हुआ। फिर आपको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी होगी, दैट इज द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड जायगोट, ठीक है? तो जैसे ही आप जायगोट पहुंचे और आप वापस स्पोरेंजियम तक गए, तो ये दोनों स्टेजेस डिप्लॉइड हैं, सो दे विल बी अंडर स्पोरोफिटिक स्टेज, ठीक है? इतना आप लोगों को याद रखना है इन कंसिडरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स, क्लियर? इसके अलावा जब हम जाएंगे प्लांट किंगडम के डिटेल में, तो आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द प्लांट किंगडम लाइफ साइकिल, जो भी वहाँ डिफरेंट ग्रुप है उनका आप लाइफ साइकिल देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, यहाँ पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी है। ये सब कुछ मैं आपको वहां पे बताऊंगी जब हम डिफरेंट ग्रुप्स की बात करेंगे कि ब्रायोफाइट का कौन सा लाइफ साइकिल है, टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल कौन से तरह का है। तो बिल्कुल आप पैनिक ना करिएगा कि मैम वो टॉपिक यहाँ नहीं आया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर किया कि ये सुपरफिशियल विजन है, वी आर गोइंग टू हैव अ डिटेल इन द चैप्टर ऑफ प्लांट इंडो, क्लियर? फिर हम आ जाते हैं थोड़ा सा सुपरफिशियल विजन लेने के लिए, कहाँ पर ये जो भी यहाँ आपको कैरेक्टर्स दिखाए दिए हैं, ये किसके हैं? ये किंगडम एनिमेलिया के फीचर्स हैं, तो थोड़ा सा विजन हम किंगडम एनिमेलिया का भी यहाँ पर ले लें, ऑल्दो दिस पार्ट फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ जूलॉजी, ठीक है? जूलॉजी का ये सेक्शन है, लेकिन इंट्रोडक्शन तो हम सीख ही सकते हैं कि अगर एक पेड़ पौधे में और एक जानवर में क्या अंतर होता है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस यहाँ होता है, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मल्टी सेल्यूलर दोनों हैं, वो हेटरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स थे, और जो एनिमल्स होंगे ये हेटरोट्रॉप्स होंगे, क्लियर? अब यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप देखेंगे, दे विल बी ऑफ डेफिनाइट शेप एंड साइज, और इनकी जो ग्रोथ है वो भी लिमिटेड होती है, जबकि प्लांट की ग्रोथ इनडेफिनाइट होती है। ये मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड में भी सिखाया था, ठीक है? यहाँ आपको जेंडर पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई देगा। जेंडर पॉलीमॉर्फिज्म या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व मेल ऑर्गेनिजम्स एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स, एंड आफ्टर दैट दे विल अंडरगो द कॉपुलेशन और द फिजिकल रिलेशन, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे सेंसरी या न्यूरोमोटर सिस्टम होगा, जो कि अभी तक किसी भी किंगडम के ऑर्गेनिज्म के पास नहीं था। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा फ्रॉम किंगडम प्लांटिंग, ठीक है? एनिमेलिया। आपको भी पता है कि जब हम यहाँ एनिमेलिया की बात करेंगे, तो वी विल स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, पॉरीफेरा के स्पॉन्जेस, और फिर हम पहुंचेंगे कॉर्डेट्स तक, और कॉर्डेट्स की जो पांच क्लासेस हैं, दैट इज एव्स, मेमेलिया, और जो भी आपके दूसरे हैं, ठीक है? वहां फिशेस भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं। तो आप स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम स्पॉन्जेस एंड मूविंग ऑन टू द हायर वन, तो ये पूरा कवर होगा अंडर किंगडम एनिमेलिया। ऑलराइट, तो सिर्फ इतना ही हमें यहाँ एनिमेलिया और प्लांटी के बारे में जानना है। आइए देख लेते हैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो यू हैव टू आंसर नाउ, कस्क्यूटा किस तरह का प्लांट है? तो यहाँ आपका आंसर होगा दैट कस्क्यूटा इज कंप्लीट पैरासाइट। फाइन, पैरासाइट तो आप जानते हैं, बट यहाँ पैरासाइट दो तरह के होते हैं, पार्शियल एंड कंप्लीट। कस्क्यूटा इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट। मैं आपके लिए यहां लिख देती हूं इसका एक्सप्लेनेशन। कस्क्यूटा इज टोटल स्टेम पैरासाइट,
जब भी आप इसकी बात करेंगे तो आप याद रखिए कि ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, तो आपको इसका आंसर याद रहेगा. फाइन, आगे आ जाइए. यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज, तो ये कौन होंगे? अब इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्लोरोफिल है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो दे विल बी ऑब्वियसली प्लांट्स. सेल वॉल प्लांट्स का कौन से सब्सटेंस का बना होता है? व्हाट इज द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स? वेरी गुड, द आंसर गोज सेल्यूलोज. ठीक है, ब्लैडर वॉर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच कैटेगरी ऑफ प्लांट्स? टेल मी, कौन सी कैटेगरी में आएंगे? यस, दे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं. वीनस फ्लाई ट्रैप तो इनफैक्ट इतना डेंजरस है कि वो इंसेक्ट्स के अलावा फ्रॉग को भी ट्रैप कर लेता है. ठीक है, स्लग्स एंड स्नेल्स को भी ट्रैप कर लेता है. अगेन, कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट, आपको पता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, व्हाट विल बी द एनिमल मोड ऑफ न्यूट्रिशन? फोटो ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकते, सैप्रोफिटिक. अगर इसका एग्जैक्ट आंसर आपको बताना है तो दैट विल बी होलोजोइक, क्योंकि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एनिमल मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, आपको ये बताया गया है. ठीक है, so this was all about the vision of kingdom plantae and animalia, जो आपको थोड़ा सा जानना था. जब इसका डिटेल डील होगा तो that will be under the chapter of plant kingdom and animal kingdom. Okay, so the next part in this chapter will be viruses, viroids and lichens, और ये end of the story है. ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो हमारा चैप्टर है, जो अभी तक हम देख रहे थे, ये इसका क्लाइमैक्स पोर्शन है, जहां पे आप वायरसेस के बारे में जानेंगे, वायरॉइड्स के बारे में जानेंगे, लाइकन्स के बारे में जानेंगे. वायरसेस के बारे में तो मैं कहूंगी थोड़ा ज्यादा ही जान लीजिए, क्योंकि अभी एक वायरस ने बिल्कुल नाक में दम कर रखा है. ठीक है, तो जो पैंडेमिक रनिंग ऑन है दैट इज बिकॉज ऑफ अ वायरस, तो वायरस पे थोड़ा फोकस करना इम्पोर्टेंट है. तो आइए आ जाते हैं वायरसेस पे. पहले इनके बारे में बेसिक सी बातें सीखते हैं. जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, मतलब आपका आरएच विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है, उसमें जो वायरसेस है ना, ये ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की तरह वहां इंक्लूड किए गए. ठीक है, दे आर इंक्लूडेड एज ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. कोरोना वायरस को COVID-19 क्यों बोलते हैं? ओके, आई हैव गॉट अ क्वेश्चन, पहले मैं उसका आंसर दे दूं. कोरोना वायरस को COVID-19 इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कोविड का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज. ठीक है अरबाज, पहले आप ये जान लीजिए कोविड का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज. फाइन, 19 वहां पर इसीलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये जो वायरस है ये पाया गया है 2019 में. आप समझ रहे हैं, The year was actually 2019. तो हमने वहां पर as suffix क्या यूज किया है? 19 यूज किया है. तो the full form is coronavirus disease 2019, क्योंकि ये pandemic 2019 में चला. Okay. वैसे अगर आप इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम होता है SARS COVID-19. SARS stands for Severe Acute Respiratory Syndrome. ठीक है, SARS का मतलब है सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. आप देख रहे हैं ना कि इस जो कोरोना वायरस का अटैक होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है. द सिम्टम्स इंक्लूड निमोनिया, निमोनिया इज वन ऑफ द कॉमन सिम्टम. तो ये जो भी आप देख रहे हो कि अटैक उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक पे हो रहा है, दैट इज वाई उसके अंदर हमने SARS भी लगा रखा है. ठीक है, तो ये उसका डिटेल है. अब यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने जो वायरस का पार्ट हम सीख रहे थे उस पे. वायरसेस आर कंसिडर्ड टू बी ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. ओके,
बिल्कुल दिखते हैं अरबाज, बिल्कुल दिखते हैं वायरसेस। अब मैं इतना पहले कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपकी इस बात पे आती हूँ। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट वी वर लर्निंग इज कि यहाँ पे जो वायरसेस हैं दे आर एसेल्युलर। मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड और उसके बाद भी क्लासिफिकेशन के टाइम समझाया था कि इस ए वर्ड पे फोकस करिए, क्योंकि इसका मतलब होता है एब्सेंस। ठीक है, तो यहाँ सेल्यूलर बॉडी एब्सेंट है, कभी भी वायरस आपको सेल्यूलर फॉर्म में नहीं दिखेगा। श्लीडन एंड श्वान का जो सेल थ्योरी है वो वायरस पे अप्लाई नहीं होता, वायरस उसके लिए एक्सेप्शन है। ठीक है, वायरस को इसीलिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से हटाया गया, वहां इंक्लूड नहीं किया गया, लाइकन्स को भी इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, तो अभी फिलहाल वायरस के केस में इट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर दैट कैटेगरी, क्योंकि जो आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन है, आपको अच्छे से याद होगा कि उसका जो एक बेसिस था दैट वॉज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। मैंने आपको बहुत सारे बेसिस बताए थे ना कि आर एच विटेकर ने कौन कौन से कैरेक्टर देखे, तो वन ऑफ द कैरेक्टर जो आर एच विटेकर ने जज किया था वॉज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और वायरस तो सेल है ही नहीं, तो कहाँ से इसको हम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड कर दें? तो ये वहां इंक्लूडेड नहीं है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस ना तो ट्रूली लिविंग है ना तो ट्रूली नॉन लिविंग है। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि इनका नेचर जिंदा भी नहीं है मुर्दा भी नहीं है, तो फिर हम इनको किसी भी एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। मैं आपको इसको जस्टिफाई करके बताती हूँ। अगर कोई भी वायरस आपकी बॉडी से बाहर है तो दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है, उसको आप क्रिस्टलाइज करके पाउडर के फॉर्म में बॉटल में भर के रख सकते हैं, बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, बट एज सून एज यू आर गोइंग टू प्रोवाइड होस्ट बॉडी टू द वायरस, तो उसका इन्फेक्शन शुरू होगा, और जैसे ही ये वायरस होस्ट बॉडी पा जाता है, इन्फेक्शन स्टार्ट कर लेता है, तो फिर ये लिविंग नेचर में आ जाता है। फाइन, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली वायरस के पास इसका खुद का मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता, ना तो ये रेस्पिरेशन कर सकता है, ना तो इसके पास अपना एंजाइम सिस्टम होता है, ना ही इसके पास दूसरे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होते हैं, तो इट इज कंप्लीटली नॉन लिविंग आउट ऑफ द होस्ट बॉडी। सबसे पहले स्टैनली ने क्रिस्टलाइज किया था वायरस को, और उन्होंने ये बताया था कि आउट ऑफ द बॉडी इट इज नॉन लिविंग। देन जैसे ही होस्ट बॉडी को ये अटैक करेगा, इन्फेक्ट करेगा, तो वहां जाके ये अपना लिविंग नेचर शो करता है। अब आप कहेंगे कि मैम अगर ये होस्ट के अंदर लिविंग हो रहा है, बट आपने बताया कि इसके पास एंजाइम नहीं है, इसके पास रेस्पिरेशन नहीं है, इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है, तो ये काम कैसे करेगा? ये होस्ट बॉडी के कंपोनेंट्स को यूज करता है। वायरस के पास एंजाइम नहीं है, लेकिन जिसको उसने अटैक किया है उसके पास तो है। वायरस के पास रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स नहीं है या उसके लिए यूज होने वाले सबस्ट्रेट्स नहीं है, जिस होस्ट को अटैक किया है उसके पास तो है। तो होस्ट बॉडी की सारी चीजें ये इस्तेमाल करता है, एंड दैट इज द रीजन कि वायरसेस आर आल्सो कॉल्ड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो इनका काम है होस्ट बॉडी की मदद से कर रहे हैं, जो सामान चाहिए चलिए होस्ट के पास से ले लो, इनका खुद का कुछ नहीं है, सो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। फाइन, तो वॉट दे डू इज कि ये किसी भी सेल में या होस्ट की बॉडी में इंफेक्शन करते हैं, इंफेक्शन करने के बाद ये खुद जिंदा हो जाते हैं और होस्ट को मारना शुरू करते हैं। ठीक है, होस्ट को मारना स्टार्ट करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट वायरसेस। यहाँ आपको कुछ वायरसेस के पिक्चर्स भी दिखाए गए हैं, यू कैन सी कि वो कैसे दिखते हैं। इसके अलावा अब आ जाते हैं थोड़े से हिस्टोरिकल पार्ट पे कि जो वायरस है
कौन से साइंटिस्ट ने इनके बारे में क्या बताया था. तो व्हेन वी टॉक अबाउट लुइस पाश्चर, तो इन्होंने वायरस का नाम दिया था. वायरस वर्ड का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब होता है टॉक्सिक या पॉइजनस फ्लूइड, और यू कैन कॉल इट वीनम. ओके, इवानोविस्की जो थे इन्होंने कुछ ऐसे माइक्रोब्स देखे जो कि टोबैको के अंदर मोज़ेक डिजीज फैला रहे थे, और ये बैक्टीरिया से भी छोटे थे, तो देवर नथिंग बट द वायरसेस. ठीक है, तो कभी कभी देखो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स को पार कर जाते हैं. तो वो कौन होंगे जो बैक्टीरिया से भी छोटे होंगे, और बैक्टीरिया से भी छोटे कौन होते हैं, वायरसेस होते हैं. देन बेजरिंक ने क्या किया, बेजरिंक ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो भी होस्ट प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, अगर उसको हम किसी हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट कर दें तो वहां पर वायरस का ट्रांसमिशन हो जाता है. किसी इंफेक्टेड प्लांट में से लिक्विड निकाला, हेल्दी प्लांट को डाल दिया, तो उससे वायरस का इंफेक्शन हो जाएगा, एंड दैट विल बी कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, इंफेक्शियस लिविंग फ्लूइड, एंड दैट विल बी द फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेनिंग वायरसेस. ठीक है, फिर स्टैनली के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया था कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैज क्रिस्टलाइज्ड वायरस, जिन्होंने वायरस को पहली बार क्रिस्टलाइज किया था. तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द साइंटिस्ट इन द स्टडी ऑफ वायरसेस. ठीक है, आप लोग मुझे उस ब्रांच का नाम बताइए. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड एज डैश. आपको डैश फिलअप करना है. स्टडी ऑफ वायरसेस इज नोन एज वॉट, क्या बोला जाता है. देखो बायोलॉजी में अलग अलग ब्रांच होती है ना, जैसे आप पैथोजन और डिजीज की पढ़ाई कर रहे हैं तो पैथोलॉजी, इफ यू आर स्टडिंग बैक्टीरिया बैक्टीरियोलॉजी. तो व्हाट इज द स्टडी ऑफ वायरसेस कॉल्ड एज. यस, वेरी गुड विनय, स्टडी ऑफ वायरसेस इज टर्म्ड एज वायरोलॉजी. वहां पे आप पूरा डिटेल जानेंगे वायरसेस के बारे में, आप एक एक्सपर्टाइजेशन ले लेंगे वायरसेस की फील्ड में. ठीक है, नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर. तो अब आप कहेंगे कि मैम सेल तो है नहीं, फिर वायरस का स्ट्रक्चर कैसा. तो मैं आपको बताती हूँ कि वायरस के स्ट्रक्चर में दो ही चीजें होती हैं, कुछ खास नहीं होता, केवल दो चीजें होती हैं. एक होता है इसका आउटर प्रोटीन कोट, ठीक है, आउटर प्रोटीन कोट जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं. दूसरा होता है इसका जेनेटिक मटेरियल जिसको हम डीएनए या आरएनए कहते हैं. अब मुझे बताइए COVID-19 इज डीएनए कंटेनिंग वायरस और आरएनए कंटेनिंग वायरस. अगर COVID-19 अभी चर्चा में है तो आपको पता होना चाहिए कि COVID-19 इज डीएनए और आरएनए, कौन सा वायरस है. नो, COVID-19 इज नॉट डीएनए कंटेनिंग, इट इज आरएनए कंटेनिंग वायरस. ठीक है, COVID-19 इज आरएनए कंटेनिंग वायरस. कहां पढ़ा आपने कि ये डीएनए कंटेनिंग है. How come you know that COVID-19 is DNA containing? Have you read it somewhere? और कि सिर्फ एक तुक्का मारा है. बताइए. Those who have answered DNA, आपने कहीं पढ़ा है ये? No. मतलब कि सिर्फ एक आपका तुक्का था. तो चलो यहीं पे free of cost एक advice ले लो बच्चों. अगर आपको NEET की exam निकालनी है ना, then stop doing this तुक्का वाली हरकत. क्योंकि इससे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी. ठीक है, आप दो चीजें सीख लो अगर आपको सेलेक्ट होना है तो. पहली चीज ये सीख लो कि जिस बात का जवाब मुझे नहीं पता उसका जवाब मैं नहीं दूंगा या मैं नहीं दूंगी. ठीक है, और इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दैट इफ यू डोंट नो द आंसर स्किप दैट क्वेश्चन, लीव इट अनअटेम्प्टेड. ठीक है, डू नॉट अटेम्प्ट इट. दूसरी एडवाइस मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि अगर आप तुक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं तो तुक्का वहीं पर मारिए जहां पे आपके पास
तुक्का मारने की गुंजाइश हो, थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी हो, अगर आपको मालूम है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं आता, डू नॉट पुट तुक्का, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज योर सिलेक्शन. ठीक है, अभी क्योंकि हम प्रिपरेटरी फेज में हैं, तो आपको ये बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ये सारी शॉर्ट कमिंग्स आप लोग दूर करिए. फाइन, ओके, दैट विल बी रियली हेल्पफुल. और वापस आ जाते हैं यहाँ. तो COVID-19 इज आरएनए कंटेनिंग वायरस. अब यहाँ पे बाकी के वायरसेस की बात करते हैं. तो रेस्ट ऑफ द वायरसेस कैन बी आइदर आरएनए कंटेनिंग और दे कैन बी डीएनए कंटेनिंग. मोस्ट ऑफ द वायरसेस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ आरएनए वायरस. ठीक है, और जितने भी आरएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं उनके लिए हम एक खास टर्म यूज करते हैं. इफ द वायरस इज आरएनए कंटेनिंग देन वी कॉल इट राइबो वायरस. ठीक है, उनको राइबो वायरसेस कहा जाता है, ऑल दोज वायरसेस दैट हैव आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, किसी भी वायरस के पास डीएनए और आरएनए दोनों नहीं हो सकता. वायरस क्या, अगर आप इंसान या हायर ऑर्गेनिज्म में भी जाएंगे, नन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज अलाउड टू हैव बोथ ऑफ देम टुगेदर. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में भी डीएनए आरएनए में चेंज जरूर होता है, लेकिन हमारा जो मेजर जेनेटिक मटेरियल है दैट इज द डीएनए. फाइन, ऐसा नहीं बोल सकते कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है. ऐसा कभी आपने सुना है डीएनए आरएनए दोनों हो जेनेटिक मटेरियल? नहीं हो सकता. ठीक है, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि वायरस के अंदर एक्चुअली जो उसका इंफेक्शियस पार्ट होता है वो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ना कि उसका प्रोटीन कोड. इंफेक्शियस पार्ट कौन होता है? उसका जेनेटिक मटेरियल. ओके, तो यहाँ आपको इन्फ्लुएंजा वायरस का एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि उसका प्रोटीन कोड या कैप्सिड है. इसके अलावा यू कैन सी द न्यूक्लियोप्रोटीन एज आरएनए. जिस जगह पर आप देखते हैं, मतलब ये वाला पोर्शन जिसको मैं एनोटेट कर रही हूँ फिलहाल, जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल कोर. उस एरिया को सेंट्रल कोर कहा जाता है. फाइन, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ एक नई चीज है, लिपिड एनवेलप. ये जो एनवेलप होता है ये कुछ वायरसेस के पास होता है, मतलब दो कंडीशन है, एनवेलप हो सकता है और एनवेलप नहीं भी हो सकता है. अगर एनवेलप है तो उस वायरस को आप एनवेलप्ड वायरस कहेंगे, और अगर एनवेलप नहीं है तो उसको आप नॉन एनवेलप्ड वायरस भी कह सकते हो. ठीक है, मोस्ट ऑफ द वायरसेस के पास एनवेलप ज्यादातर नहीं रहता है, लेकिन काफी सारे ऐसे इंफेक्शियस और खतरनाक वायरसेस होते हैं जिनके पास प्रोटीन कोट के अलावा एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव बाउंड्री, मतलब कि एनवेलप भी होता. फाइन, तो यहाँ ये वायरस का स्ट्रक्चर हो गया. इसके बाद आ जाइए स्ट्रक्चर के बारे में कुछ और बातें सीखिए. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जनरली वायरसेस जो होते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की कंडीशन भी पॉसिबल है. अब यहाँ वायरस की भी अलग अलग फैमिलीज होती है ना. ठीक है, जब आप वायरस का डिटेल पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया वायरोलॉजी के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि इनकी भी अलग अलग फैमिली होती है. ठीक है, अलग अलग वायरसेस की अलग अलग फैमिलीज होती हैं. तो अलग अलग फैमिलीज के अंदर यू विल कम टू नो कि दिस पर्टिकुलर फैमिली विल कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, दूसरी फैमिली दैट इज गोइंग टू कंटेन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अलग अलग फैमिली का फीचर होता है. ओके, लेकिन हम उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको एनटीए उतने डेप्थ में जाके क्वेश्चन नहीं पूछेगा. तो वी आर गोइंग टू स्टिक टू एनसीईआरटी, जहां पे इतना ही आपके लिए जरूरी है. द नेक्स्ट थिंग इज बैक्टीरियोफेजेस, जो कि ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं. अब आप सोच लीजिए, बैक्टीरिया इटसेल्फ इज अ पैथोजन जो हमें अटैक करता है, और उसको भी कौन अटैक कर लेता है? वायरस अटैक कर लेता है.
ये तो वही बात हो गई कि चोर के घर पे चोरी हो गई, ठीक है। वायरस इज पैथोजन, बैक्टीरिया इज पैथोजन, बैक्टीरिया इज ऐसा पैथोजन जो हम सबको परेशान करता है, और बैक्टीरिया को कौन परेशान करता है? वायरस, ठीक है। तो याद रखिए कि बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं दे आर इम्पॉर्टेंट, और इनका ये रहा स्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज का, एंड दिस स्ट्रक्चर इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज आइकोसा हेड्रल ज्योमेट्री। आपको यहां पर जो शेप दिख रहा है वायरस का, दैट इज नोन बाय आइकोसा हेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पे इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। आप इसकी टेल देख रहे हैं, ये देखिए इसके पैर हैं। तो ये जो टेल होती है इसका फंक्शन है कि सेल के सरफेस पे जुड़ो जहां पर भी हमें अटैक करना है, ओके। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आप बैक्टीरियोफेजेस के बारे में याद रखेंगे, फाइन। बैक्टीरियोफेजेस के बारे में एक और भी बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आपको पता भी हो, आप सबने सुना है अबाउट रिवर गंगा, ठीक है। तो जो गंगा नदी का पानी है हमेशा उसको हम शुद्ध मानते हैं या फिर उसको हम प्योर वाटर कहते हैं। व्हाई इज इट सो? गंगा का पानी कभी गंदा क्यों नहीं होगा, या फिर वो हमेशा प्योर कैसे रह पाता है? व्हाई इट इज डिवॉइड ऑफ बैक्टीरिया? डू यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, येस और नो? आप लोगों को इसका जवाब मालूम है? नो no. चलिए मैं बताती हूं। जब आप गंगा रिवर का वाटर एनालाइज करेंगे तो यू विल कम टू नो कि वहां पे इतने सारी मात्रा में बैक्टीरियोफेजेस हैं जो उस पानी के अंदर बैक्टीरिया को टिकने नहीं देते। जैसे ही बैक्टीरिया पानी में जाता है, आपको भी पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सबसे फेवरेट जगह होता है कि चलो पानी में जाके रहते हैं, तो जैसे ही वो गंगा में एंटर करते हैं या उसमें कोई भी कंटामिनेशन होता है बैक्टीरिया का, तो ये जो बैक्टीरियोफेजेस उस पानी में है ना, ये सारे उस बैक्टीरिया को अटैक करते हैं और सारे बैक्टीरिया को मार डालते हैं। दैट इज द रीजन कि गंगा नदी का जो पानी है वो प्योर स्टेट में रहता है, ज्यादा दिन रखने पर खराब नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है उसको, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। तो ये शायद कुछ नया था सीखने के लिए, यस और नो? दिस वॉज समथिंग न्यू। इसके अलावा आप यहाँ पिक्चर्स में दूसरे वायरस भी देख सकते हैं, यू कैन सी द हेपेटाइटिस सी वायरस, इवन कोरोना वायरस भी इंक्लूडेड है यहाँ, हर्प्स वायरस है, देन स्मॉल पॉक्स का वायरस है, इंफ्लुएंजा है, एंड बर्ड फ्लू इज ऑल्सो देयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब स्ट्रक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया कि वायरस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है। तो यहाँ आप देखिए कि जो प्रोटीन कोट या कैप्सिड होता है वो कुछ छोटी छोटी सब यूनिट्स को जोड़कर बनता है, और वो जो छोटी सब यूनिट्स होती हैं उनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। आप यहाँ पर देखो ये बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोट है, तो आपको दिख रहा है कि इसके प्रोटीन कोट में आपको बहुत सारे ऐसे सर्कल दिख रहे हैं। तो दिस वन ब्लू सर्कल इज इक्वल्स टू वन कैप्सोमियर, और इन्हीं सारे कैप्सोमियर्स को जॉइन करके क्या बनता है, पूरा का पूरा कैप्सिड बनता है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको भी पता है कि अंदर सेंट्रल कोर होगा, और उस सेंट्रल कोर में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इसका जेनेटिक मटेरियल, और वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए या आरएनए कोई भी हो सकता है, फाइन। तो ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वायरस का। अब वायरसेस की जो ज्योमेट्री होती है दैट कैन आइदर बी हेलिकल और इट कैन बी पॉलीहेड्रल। मैंने आपको अभी अभी एक वर्ड यूज किया था, आइकोसा हेड्रल ज्योमेट्री। तो ये है बैक्टीरियोफेज की ज्योमेट्री। यहां अगर आप देखेंगे तो दिस इज हेलिकल ज्योमेट्री, और ये आपको टीएमवी में देखने के लिए मिलती है। टीएमवी स्टैंड्स फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस, उसमें आपको कैप्सोमियर का अरेंजमेंट ऐसा स्पाइरल जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो
तो ये दोनों बातें आप याद रखिए, और खासकर आप एग्जाम्पल में याद रखिए बैक्टीरियोफेजेस एंड टीएमबी। फिर आ जाते हैं कुछ ऐसे डिजीजेस पे जो किसने फैलाए हैं, वायरसेस ने फैलाए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ वायरसेस ने जो डिजीज फैलाए हैं वो ये रहे। अरबाज थोड़ा सा वेट करो बेटा, अभी आएंगे टीएमबी के फोटो पे, ठीक है। तो यू कैन सी सम ऑफ द डिजीज, यू कैन सी मम्स एंड स्मॉल पॉक्स, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, माता आना कहा जाता है आई गेस। देन हर्पीज इज देयर, इन्फ्लुएंजा इज देयर, एंड एड्स फाइनली, जो एक टाइम पर पैंडेमिक बन चुका है। फाइन, जैसे अभी आप कोरोना वायरस का खतरा देख रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर, वैसे ही एक समय था 1980s के दौरान पे जब एड्स पहली बार वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो भी इसी तरह से आया था एक पैंडेमिक के जैसे। फाइन, इसने भी काफी सारा रायता फैलाया था। इसके अलावा दूसरी जो बीमारियां हैं उनके लिए हम वैक्सीनेशंस भी लेते हैं, लेकिन एड्स इज सच टाइप ऑफ बीमारी जिसका ना तो हमारे पास कोई वैक्सीनेशन है, हाँ ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बट उससे भी इंसान क्योर नहीं होता। एड्स के पेशेंट की जिंदगी बढ़ाई जा सकती है, अगर वो 2 साल में मरने वाला है तो वो 5 साल में मरेगा, ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम उसको कंप्लीटली क्योर कर दें। फाइन, तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। देन प्लांट्स में अगर आप देखेंगे तो काफी सारे दूसरे डिजीज जैसे कि मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ कर्लिंग, लीफ रोलिंग, यूजुअली ये पपाया में देखने के लिए मिलता है, ये सारे जो डिजीजेस हैं ये भी वायरसेस फैलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए परेशान थे कुछ लोग कि टोबैको मोज़ेक वायरस का फोटो कहाँ है, तो ये रहा टीएमबी का फोटो जो आपके पास एनसीईआरटी में भी है, और मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि आप लोग एनसीईआरटी के डायग्राम की ना बिल्कुल अपने आंखों पे फोटो उतार लीजिए। यू हैव टू स्कैन ऑल दोज डायग्राम्स विच आर देयर इन एनसीईआरटी, बिकॉज द सेम डायग्राम इज गोइंग टू बी प्रिंटेड ऑन द पेपर, और उसमें आपको लेबलिंग मिसिंग होगी जो आपको फिल करनी होगी। आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू इस तरह से डायग्राम पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज हैव अ लुक एट ऑल दोज डायग्राम्स एंड ऑल्सो रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो ये दोनों फोटोज आपको वहां मिलेंगे, बैक्टीरियोफेज का एंड टीएमबी का। फिर कुछ और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस के फोटोग्राफ्स यहाँ पर हैं जो आप देख सकते हैं, लेकिन अगेन ऑल दीज फोटोग्राफ्स आर नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू होल्ड ऑन इज टीएमबी का फोटो और बैक्टीरियोफेज का फोटो। देन लेट अस कम टू वायरॉइड्स। अब यहाँ जब वायरॉइड्स की बात होगी तो आपको ये याद रखना है कि जो वायरॉइड्स हैं दे आर ऑल्सो इन्फेक्शियस एजेंट्स जो कि वायरस से भी छोटे हैं। यहाँ पर कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, सिर्फ जेनेटिक मटीरियल होता है, ठीक है। टीएमवी प्लांट्स को कैसे डिजीज करता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बाकी के वायरस इन्फेक्शन करते हैं। ये प्लांट की बॉडी में जाएगा, जाके अपना जेनेटिक मटेरियल उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ जोड़ देता है, और उसके बाद इसका अटैक शुरू होता है। ये लाइवली स्टेट में आता है, मल्टीप्लाई करता है सेम मैनर। नाउ कमिंग बैक टू वायरॉइड्स, वायरॉइड्स जो होते हैं यहाँ पर कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता, द ओनली इन्फेक्शियस पार्ट विल बी द जेनेटिक मटेरियल। ये वायरस से भी छोटे होते हैं और इनको डिस्कवर किया था डाइनर ने। फाइन, सबसे पहले पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में इनका प्रेजेंस देखा गया था क्योंकि ये उसके पॉजिटिव एजेंट होते हैं। तो दिस इज अबाउट वायरॉइड्स। ये देखिए पोटैटो का शेप किस तरह से यहाँ पे क्या हो चुका है, डिस्टॉर्ट हो चुका है पोटैटो का पूरा शेप। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ वायरॉइड। तो जब भी आप मार्केट में आलू खरीदने जाएं तो थोड़ा देख लें कि उस आलू का शेप क्या है। अगर आपको इस तरह का दिख रहा है तो उसमें खुश मत हो जाइएगा कि अरे नए तरीके का आलू मुझे मार्केट में दिखा। इट इज नॉट लाइक दैट, वो इन्फेक्टेड है, ठीक है।
वैसी आपको याद है कल मैंने आपको सिखाया था कि कॉलेटोट्राइकम रेड रॉड ऑफ शुगर केन कहलाता है, याद आया कुछ? रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉलेटोट्राइकम। तो आप जब गन्ना खाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर रेड स्पॉट्स होते हैं कुछ जगह पर, तो दैट इज ओनली जो आपको इंडिकेट करेगा कि उस गन्ने को बीमारी है, उसको रेड रॉट ऑफ शुगर केन है। बट उसको खाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो जो फंगस है वो उसको इन्फेक्शन करता है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, फाइन। लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट वायरसेस, दे कैन डू एनीथिंग दे लाइक। नहीं अरबाज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गन्ने के पास ब्लड कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल, दैट इज रेड रॉट ऑफ शुगर केन, आप देख सकते हो। और ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी शुगर केन का सीजन है, अभी आपको काफी सारा मिलेगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन कैसा दिखता है तो यू कैन सी इट, अवेलेबल होंगे आपको। अब आ जाइए यहाँ पर लाइकन्स पे। अच्छा चलो, मैं पहले आपको एक और बात बता दूं, यहाँ वायरॉइड हमने डील कर लिया है तो यहाँ प्रियॉन भी जान ही लो, प्रियॉन्स भी जान लीजिए। अब देखो प्रियॉन्स जो है वो भी वायरस से छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट फीचर आप लिख सकते हो कि दीज आर ऑल्सो स्मॉलर देन वायरसेस, वायरसेस से काफी छोटे होंगे। दूसरा कि जैसे आपने देखा कि वायरॉइड के पास प्रोटीन कोट नहीं है, सिर्फ जेनेटिक पार्ट है, तो वैसी जो प्रियॉन होता है उसमें आपको ये देखना है कि प्रियॉन के पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोट होगा, प्रोटीन कोट इज ओनली देयर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोट होगा, जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट। अब जेनेटिक मटेरियल का मेरा मतलब है डीएनए या आरएनए, ये यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे दे आर कॉल्ड एज प्रियॉन्स, और प्रियॉन्स ने भी काफी सारा बीमारी फैलाया है, जैसे कि आपने सुना होगा अबाउट लाफिंग डेथ डिजीज इन ह्यूमंस, इसके अलावा बोवाइन डिजीज इन कैटल्स, तो ये सब प्रियॉन्स की वजह से होते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होते हैं? प्रियॉन्स की वजह से होते हैं। तो जैसे वायरॉइड्स हैं वैसे ही छोटे प्रियॉन्स भी होते हैं, इनके बारे में भी आपको अभी केवल इतना ही जानना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नाउ लेट अस कम टू लाइकन्स। तो जो लाइकन है इसके बारे में कल की क्लास में भी थोड़ी सी बात हुई थी, दे आर एक्चुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, म्यूचुअल रिलेशन होता है इनके बीच में। तो जो इसका एल्गल कॉम्पोनेंट है, एल्गल कॉम्पोनेंट ऑफ लाइकन विल बी फाइकोबायोंट, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और जो इसका फंगल कॉम्पोनेंट है दैट विल बी माइकोबायोंट, जो कि हेटरोट्रॉफिक इन नेचर है। तो ये खाना बनाएगा एल्गी और फंगस को देगा। फंगस जो है ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके एल्गी को देगा ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। तो यहाँ पे दोनों को इक्वल काम करना है, दोनों को इक्वल बेनिफिट हो रहा है, दोनों ऑर्गेनिजम्स प्रॉफिट में है, ठीक है। तो दैट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस इज टर्म्ड एज लाइकन। लाइकन के बारे में पहले भी बात हुई है कि ये जो लाइकन्स होते हैं ये पॉल्यूशन फ्री एटमोसफियर में ग्रो करते हैं, और ये कभी भी पॉल्यूशन वाली जगह पर ग्रो नहीं कर सकते। तो हम जिस लोकेलिटीज में रहते हैं या हम जो जगहों पर रहते हैं वो तो हाईली पॉल्यूटेड है, वहां पर लाइकन ग्रो नहीं कर सकता। अगर आपको लाइकन देखना है गो टू हिमालयाज, गो टू हायर ऑल्टीट्यूड्स, वहां पर आपको लाइकन मिलेगा जहां पॉल्यूशन नहीं होता। इसके अलावा आई ऑल्सो टोल्ड यू कि जो लाइकन्स होते हैं दे आर सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है, दीज आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। ऑलरेडी ये सारी बातें आपको मैंने कह रखी हैं। तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ लाइकन कि लाइकन कैसा दिखता है। तो उसमें फंगल हाइफी होता है और एल्गल हाइफी होता है विच आर कंजॉइंड टू ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल म्यूचुअलिस्टिक नेटवर्क एंड दैट विल कम आउट टू बी लुक एज लाइकन, वो लाइकन जैसा आपको दिखेगा। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो मुझे ये बताइए
ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स कौन होंगे, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई या एल्गी? हमारा केबीसी स्टार्ट हो चुका है, जल्दी बताइए. यस, आंसर विल बी वायरसेस. वायरसेस होते हैं, सेल के अंदर रहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं क्योंकि होस्ट की बॉडी के बाहर ये नॉन लिविंग है. मैंने आपको ये कैरेक्टर बताया. नाउ लेट अस कम टू टीएमवी. टोबैको मोज़ेक वायरस कंटेन्स कौन सा डीएनए या आरएनए? टीएमवी में कौन सा तरह का डीएनए या आरएनए होता है? तो टीएमवी के पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. फाइन, टीएमवी कंटेन्स सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. नाउ लेट अस कम टू प्रियॉन्स. मैंने अभी अभी आपको प्रियॉन्स के बारे में बताया था. प्रियॉन्स आर द इंफेक्शियस एजेंट्स विच पजेस प्रोटीन बट नॉट न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड, बोथ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट. वॉट इज द आंसर? वन. ओके, एग्जैक्टली. प्रोटीन होगा लेकिन न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा. That will be the answer. Very good, all three of you. तीनों ने correct बोला. The name virus was given by whom? किसने ये नाम दिया था viruses? Whittaker ने दिया था, Pasteur ने दिया था, Linnaeus ने दिया था या Diener ने दिया था? Okay, Diener ने दिया था. नहीं, थोड़ा problem हो गया. Louis Pasteur ने दिया था. ठीक है, डाइनर ने तो वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था. यही आपको चीजें थोड़ी सी लर्न करनी है. ओके, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज कोर, कैप्सूल, कैप्सिड या कैलिप्ट्रा? यस, इट इज कॉल्ड एज कैप्सिड. वेरी गुड मनीष. Viroids were discovered by, अब आपका आंसर होगा Diener. ठीक है, Louis Pasteur ने वायरस नाम दिया था. यहां पर आपका आंसर होगा T.O. Diener. Potato spindle tuber disease was caused by, कौन फैलाते हैं potato spindle tuber disease? Viroids. Very good. Infectious agent that possesses only proteins but not nucleic acid. अब यहाँ protein है लेकिन nucleic acid नहीं है. कौन है वो? तो वो है prions. मैंने बताया आपको. Scrappy disease of sheep and mad cow disease. ये कौन फैलाते हैं? कौन फैलाते हैं scrappy disease? Yes, prions. Lichens are symbionts formed by the association of algae and fungi, that is phycobiont and mycobiont component. So this was all about viruses, viroids, prions and lichens, जो आपको इस segment में जानना था. So we have completed biological classification entirely. ये कवर हो चुका है. नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्लांट किंगडम.